अगले अनाउंसमेंट मार्च अप्रैल में मेरी तरफ से बिग अनाउंसमेंट। ओ सरप्राइज। और गाइस आप लोग के लिए एक और सरप्राइज, बाबू भैया का ना कुछ एक बहुत अच्छा गिफ्ट आने वाला था, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोग के लिए। आपकी ड्यूटी है कि आप मेरी बाइक ले जाओ, कावासाकी वल्कनस जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। अब तेरे बिना यहां मेरी सांसें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हर्ष भैया के घर से। मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो आज हम लोग थोड़ा लेट ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही मैं बेड से उठी, फ्रेश व्रेश हुई, रेडी वेडी हुई, ताकि मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि यहीं पे खड़ी है हम लोग की S1000 RR। तो अभी भी वही टायर का प्रॉब्लम हो रखा है। कल हम लोग को हरिद्वार जाना है, कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए। एक सरप्राइज आया है बहुत दूर से, तो वो लेने जाना है। तो कल बाइक से ही, तो आप लोग को कल मोटो व्लॉग मिलेगा एक। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं भैया के घर। हर्ष भी अभी रेडी हो चुके हैं, थार निकालते हैं। हाँ भाई, रेडी? रेडी। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मस्त एकदम। चलो चलते हैं, बाकी मिलाते हैं आपको अंकल आंटी। आज यार आज तो सच्ची में बहुत ज्यादा लेट हो गए। थार निकाल दिए बाहर, अब हम लोग चल रहे हैं। हाँ भाई चले, लेट हो गए बेटे आज। देख रहे हो आज आप और अपनी तबीयत खराब यार, क्या कर रहे हैं। नींद पूरी नहीं हुई थी, नींद के कारण थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी। अब बिल्कुल सही हो, चलते हैं। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींद गिराते हैं। और गाइस आप लोग के लिए एक और सरप्राइज है कि बाबू भैया का ना कुछ एक बहुत अच्छा गिफ्ट आने वाला था, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोग के लिए। वो हम लोग आपको दिखाएंगे आज। अभी हम लोग हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार आ चुका है वो। फिर अंकल आंटी से उसकी अनबॉक्सिंग कराएंगे, तब आपको दिखाएंगे कि क्या है वो सरप्राइज जो बाबू भैया ने मंगाया था अपने लिए। बट अब बाबू भैया तो चले गए बिग बॉस, अंकल आंटी से अनबॉक्स कराएंगे उसको। बाकी मिलते हैं आपको घर पहुंच के। तो हम आ गए थे आंटी अंकल जी के घर पर, मिलाते हैं आपको उनसे। चलो, इसकी तो आज तबीयत खराब थी, हम शाम को ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मिलाते हैं आपको आंटी अंकल जी से। ओ, ये चेक करो आंटी जी को, हैप्पी करो चौथा आंटी जी। अंकल जी नाम ढूंढ लिया, आंटी ने पहले ही बोला हाथ आगे कर दिया। नहीं नहीं, एक तो कुछ ये है, ढूंढ लिया था मैंने, ढूंढ लिया था मैंने। और ये साड़ी तो वही है ना जो अनुराग लेकर आया था। और ये चेक करिए, इतनी गाड़ी मेहंदी रची है। ये मोतियों की माला है, ये हिंद महासागर से आ रखी है, मोती वही पाए जाते हैं। जय हो उल्टा तो नहीं पहना दिया। ये लो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, वैसे 5 साल पुराना है, ये किस्तों में चलता है क्योंकि 5 साल पहले ये बहुत भारी था। और एक चीज हम आपको और दिखाते हैं, ये देखिए अंकल जी का छोटा सा प्यारा सा गार्डन, कितने हरे भरे फूल हैं यार। करिए आप, अंकल जी डाल रहे हैं पौधों में पानी। पौधों में पानी डालना तो मेरा काम है, पर तुम्हारे लिए मैं एक काम सौंप रहा हूँ। हाँ जी अंकल जी, क्योंकि मेरी तो दिल्ली में 6 दिन की ड्यूटी लग गई है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप मेरी बाइक ले जाओगे, कावासाकी वल्कनस जो अन्नू ने मुझे गिफ्ट की थी, उसकी चेन ढीली हो गई है। ओके, तो पूरी सर्विसिंग करा, फिर तो एक मोटो ब्लॉग भी बन जाएगा हमारा आपकी बाइक से। हम मोटो ब्लॉग बनाओ चाहे कैसा ब्लॉग बनाओ, तो मैं थोड़ी जाऊंगा। नहीं, हम भव्यर में जाएंगे। हाँ, लेकिन उसका क्या कराना है, एक तो उसका आगे वाला फ्रंट शॉकर लेफ्ट वाला, उसमें थोड़ा ऑयल लीक हो रहा है। एक प्रॉब्लम ये है, 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो खैर चेन ढीली है, इतना तो मुझे आ जाता है। यहाँ लोकल में ले गया तो लोकल वालों ने कहा कि ये तो हमसे खुलेगा नहीं, ये तो भाई इतनी वैसी गाड़ी है। और दूसरी जो मेन प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं उसे, जहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ से बाइक ऊपर नीचे उछलती है, तो ब्रोसेना बताओ, शॉकर या क्या टॉकर की जो भी बोलते हैं आप बताइए, तो उससे तेल निकल रहा है भाई। अंकल जी शॉकर से तेल थोड़ी ना निकलेगा, मुझे नहीं पता बाइक के बारे में। वो जो लेफ्ट हैंड का हैंडल का जो लेफ्ट साइड का वो जो ऊपर नीचे तेल कहाँ से निकल रहा है, उसी शॉकर से ही। तो ये तो ब्रोसेना ही बताएगी अंकल जी, शॉकर से नहीं निकलेगा। देखो भाई, ब्रोसेना बताएगी पर उसे ठीक भी करेगी, ठीक है। हाँ। कहीं से भी निकले, तेल तेल तो मेरा ही निकलना है। तुम हर बार बोलते हो ना अनाउंसमेंट, अगले अनाउंसमेंट मार्च अप्रैल में मेरी तरफ से होगी, बिग अनाउंसमेंट। ओ सरप्राइज। हाँ, उसके लिए 1 लाख रुपए मैं अन्नू से लूंगा, 1 लाख मनु से और 1 लाख तुम्हारी आंटी से, ठीक है। मतलब 3 लाख का कुछ आ रहा है। 3 लाख तो मैंने बहुत पहले बोला हुआ है, ठीक है ना। हालांकि वो तो एक झटके में दे देंगे, पर मैंने तीनों से ले लेना किस्तों में, ठीक है। आज तक मैंने दिया, अब ये देंगे ना। अब देखिए कि उसके बाद धमाल, पता नहीं मच पाता है नहीं मच पाता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अभी मैं चाय पी रहा हूँ, अब आप जो है मेरी तरफ से करवा चौथ की बधाई सब। और अंकल जी एक सरप्राइज अनुराग का देहरादून भी आ चुका है, चलो वो भी आपसे अनबॉक्सिंग कराएंगे। अच्छा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तुम लाते रहो अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो मैं ठीक हूँ। ओके अंकल जी, ठीक है। तो गाइज फिर से एक और नई मोटो व्लॉगिंग करेंगे। भव्या चलाएगी, Z900 तो हमारी चलेगी ना, पता नहीं कब आएगी, 1 महीने बाद आएगी। अब भव्या चलाएगी अंकल की बाइक, अंकल ने बोल दिया है कल परसों में जब भी टाइम मिलता है मेरी बाइक लेकर जाना है, ठीक है। डन डन। ओ किससे बात कर रही है मेरी।
अरे मीटिंग्स यार, इतनी मीटिंग क्या ही बताएं। चलो मिलते हैं आपको शाम को, बाय बाय। आप लोग को बता दिया होगा अंकल ने बाइक की सर्विस वगैरह करानी है, कल नहीं तो परसों हम लोग इसे सर्विस के लिए भी लेके जाएंगे कावासाकी के शोरूम। आप लोग को बताया भैया ने गिफ्ट करी थी अंकल को, और यहाँ देखो ये चेक करिए हमारे बाबू भैया के छोटे से फैन आए। कहाँ से आए हो? टिहरी से। आ जाओ फोटो लेनी है किसके साथ? आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। अरे बेटा वो तो है ही ना। चलो बाय बाय। चलो आंटी बाय 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 बाय। चांद निकलते ही आते हैं। हाँ बिल्कुल। चांद भी, चांद आएगा पर तू भी आ जाना चांद से पहले। अंकल तो बैठे हैं अंदर, अंकल तो रेडी होके बैठ जाएंगे। अंकल तो जैसे मर्जी है, ठीक है वो। बस चांद आने का इंतजार है जल्दी जल्दी, तब हम लोग आप लोग को मिलते हैं आंटी। ठीक है आते हैं आंटी, बाय। सो गाइस मैंने हर्ष भैया का ड्रॉप कर दिया उनके घर पे, क्योंकि उनके घर पे भी थोड़ा पूजा है आज, क्योंकि आंटी का भी फास्ट है गरबा चौथ का। बाकी दुष्यंत पहुंच चुका है आईएसबीटी, तो मैं अभी दुष्यंत को लेने जा रही हूँ। बाकी मिलाते हैं आपको दुष्यंत से भी। गाइस मैं पहुंच गई थी दुष्यंत को लेने, बस दुष्यंत भी आने वाला है क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा हो रखा है, तो इसलिए बस वो थोड़ी देर में पहुंचने वाला है, तो वेट कर रहे हैं। बाकी मिलाते हैं आपको दुष्यंत से अभी जैसे ही आता है दुष्यंत। गाइस ये देखो कौन आया, ये अकेला बंदा इतनी बड़ी कैब करा के आया है। गाइस अब देखना भी इतने बड़े बड़े लोग आ रखे थे। मिलाती हूँ आपको ये जो फ्लाइट से लैंड करेंगे ना अगली बार, इस बार तो उन्होंने 6 बंदों की गाड़ी में एक बंदा आ रहा है। हाँ भाई। हाँ जी, व्हाट्स अप, कैसे हो? क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो भाई? अगली बार फ्लाइट लैंड तो नहीं करवानी तुमने यहाँ पे? यार तुम्हारे राज में तो फ्लाइट भी लैंड हो जाएगी। भव्य कितनी चलती है ना यहाँ पे, और एयरपोर्ट तो बनवा ही सकती है भव्य यहाँ पे। कोई नहीं गाइस, पैसा है इसके पास बहुत। अभी मैं सोच रही हूँ क्या इनोवा में कौन आया बैठ के, ये अकेला बंदा इनोवा में बैठ कैसे आ रहा है भाई? हमारी मिठाइयों की दुकान नहीं है, मैं बता दूं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तभी तो मैं इलेक्ट्रिक बस में आती हूँ भाई। झूठ है ये, झूठ है सरासर। आप लोग को पता है व्लॉग मेरे डाला ही, आ रही हूँ बस से, इलेक्ट्रिक बस से, और ये बंदा सिर्फ आईएसबीटी से और रिस्पना तक भी नहीं पहुंचा उस गाड़ी से। यार इतनी जाम करवा रखा है तुमने, लोगों को पता लग गया ना जवान खड़ी है यहाँ पे। इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूमोगे तो जाम तो लगेगा ही। आते बाइक से आई थी ना, उसे बाइक से आई थी यार। तुम तो भव्या हो, मैं बाहर तो भव्या जान थोड़ी हो सकता फिर। चलो गाइस मिलते हैं आपको, अभी सीधा घर जा रहे हैं। तो यार थोड़ी सी होगी प्रॉब्लम, भव्या की मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब होगी, तो भव्या को अर्जेंट घर जाना पड़ा, वो अंकल के यहाँ पर थी, तो दुष्यंत को छोड़ने चला गया है। तो मैं जा रहा हूँ अब अंकल आंटी जी घर, मिलाता हूँ आपको अंकल आंटी जी से। आंटी जी भी आ गई, और पूजा हो जाओगी आपकी? सब पूजा मस्त। सब तुम्हारे यहाँ कैसे रही? मस्त मस्त। आपके यहाँ चांद आ गया? हाँ सामने आ रखा है चांद। कहाँ? आपने देखा नहीं आसमान में कितना सा चांद आ रखा है? आसमान में होगा तुम्हारा चांद। हमारा चांद तो क्योंकि अन्नू की मम्मी का नाम ही चंद्रकला है, हमारा रोज करवा चौथ। अंकल जी बोल रहे हैं चांद के रोज दर्शन होते हैं, यानी कि आंटी जी को चांद बोल रहे हैं, तो हमारा तो रोज ही करवा चौथ होता है। हमारे यहाँ अमावस्या नहीं होती, हमारे पूर्णमासी होती है, और ज्यादा वो तो चौदहवी का चांद भी हो जाता है। और भव्या का घर से कॉल आया था, क्या हुआ? घर से कुछ शायद उसकी मम्मी की तबीयत, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है शायद ना। उसकी मम्मी को बीपी की वगैरह की प्रॉब्लम है, तो अभी वो घर चली गई है। ऐसा हुआ कि भव्या भी आनी थी, उसने ये रिकॉर्डिंग उसी ने करनी थी, तब तक उसके पापा का फोन आया कि मम्मी की तबीयत कुछ हल्की फुल्की खराब हो गई। अचानक से हुई ना अभी तो। तो वो अभी दुष्यंत भी आया था, तो दुष्यंत उसको लेके वहीं चला गया। बेचारा आया ही था, मैंने कहा बेटा पहले छोड़ दे, मैंने कहा तू भी रात को मत आना, रह जाना। तो दुष्यंत वहीं रहेगा, वो वहीं रुक जाएगा। कहीं अब सबका दिमाग वैसा थोड़ा हो ही जाता है, हमारे घर में क्यों ना हो, कोई समस्या रहना तो हर कोई ठीक है। और मेरा बीपी होता है हाई, क्योंकि आज मैंने आलू के छोले मैंने बना रखे, उसमें नमक पड़ गया तेल, उसमें मैंने 6 प्रकार के नमक डाले हुए, तो बड़ा टेस्टी है। इन्होंने बनाया तो टेस्टी है, कोई और बनाता तो नमक तेज हो गया था। दादी भी बोल रही थी अन्नू की। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज, इसलिए कि आज है करवा चौथ। अब ब्रो सेना की जितनी मम्मी है उन सबको करवा चौथ की मुबारकबाद, ठीक है? जो शादीशुदा है उनको मुबारक, करवा चौथ की मुबारकबाद, जिसकी नहीं हुई उसको भविष्य के लिए मुबारकबाद। अच्छा अंकल जी ये तो बताओ, आप लोगों के लिए तो वर्त ऐसे आंटी ने रखा हुआ है, हमारे लिए हम लोगों के लिए भी रखा हो किसी ने वर्त? तेरे लिए तो कम से कम 50-60 में रखा। देख लो अंकल जी क्या बोल रहे हैं, अंकल जी को बेवकूफ समझो तुम, ठीक है? हाँ हमें सब पता है कि तेरे लिए कितना वर्त रखा हुआ है। तो अभी मिलते हैं कल सुबह, ठीक है? और आपकी मम्मी को, सबको, और ब्रो सेना की जितनी मम्मियां हैं सबको करवा चौथ की बधाई। आप बधाई हो सबको करवा चौथ की। और मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया, मैं भी खाऊंगी क्योंकि भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया था। तुम लोग भी खाओ, नेक्स्ट ब्लॉग में होगी आपकी मुलाकात। और तब तक करवा चौथ की बधाई के साथ, और बी सेफ एंड राइड सेफ। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे